मेलबर्न में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म करने तक 5 विकेट पर 277 रन बना लिए हैं। वहीं रहाणे ने रविंद्र जडेजा के साथ 6 विकेट के लिए शतक की साझेदारी निभाकर टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा डेब्यू टेस्ट खेलने वाले शुभमन गिल ने आकर्षक 45 रनों की पारी खेली। भारत ने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 195 रनों पर समेट दिया था और इस तरह से टीम इंडिया को अब तक 82 रन की लीड मिल चुकी है। वहीं अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे किस वर्षीय शुभमन गिल ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 65 गेंदों की अपनी पारी में कुछ उम्दा शॉट लगाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट पर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उनके ओपनिंग पार्टनर मयंक अग्रवाल 2018 में डेब्यू टेस्ट में 76 रन का स्कोर बनाकर शीर्ष पर है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर दत्तू पटकर दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने दिसंबर 1947 में सिडनी में अपने पहले टेस्ट में 51 रन बनाए थे। विराट कोहली की अनुपस्थिति में रहाणे आगे बढ़कर टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।